हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका फ्लाइंग बिलीव में स्वागत है। हाँ फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अब तक सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। आज का वीडियो होने वाला है, जो हैंडलूम का मैंने लास्ट व्लॉग डाला था कि मैंने वहाँ से परचेजिंग की थी, मैंने बताया था कि मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। तो मैं आज आपके सामने बताऊंगी कि मैं क्या क्या लेके आई थी। सबसे पहले मैं लेके आई हूँ वो है यह है चंदेरी सिल्क का, वहाँ पे जयपुर में बहुत अच्छा प्रिंट फेमस है इसका। इसकी प्राइस 1000 रुपीज़ से स्टार्टिंग है। इसका ये है दुपट्टा है, और इसके ऊपर का ये आपको हैंडलूम में इजीली मिल जाएगा। ऊपर डिपेंड करता है आप किस रेंज से लेना चाहते हो, किस मतलब अब होता है ना, 10 रुपये की चीज़ मिलती है, एक ही चीज़ 100 रुपये की मिलती है, वो बस क्वालिटी में फ़र्क पड़ता है। अब बेटर क्वालिटी का लेते हो तो वो थोड़ा महंगा आता है, अदरवाइज़ कुछ चीज़ होती है जो कम क्वालिटी में भी इजीली मिल जाती है। तो इसका यह है 1000 रुपीज़ से स्टार्टिंग रेंज होती है, और उसके ऊपर डिपेंड करता है आप 1300, 1400, 1500 कितने का आप लेना चाहते हो। तो इसका ये दुपट्टा है, और उसमें ये कंप्लीट ये ड्रेस मटेरियल है। उसका सेकंड है यह है लहरिया दुपट्टा, यह लहरिया कुर्ता है। आई थिंक इसका प्राइस आई 300-400 समथिंग कुछ है, मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि मैंने शॉपिंग किया मुझे ज़्यादा दिन हो गए हैं। उसके बाद में यह वही मैं हैंडलूम प्रिंट से लिया था। सबसे पहले कि अच्छा लग रहा है कलर इसका, लहरिया प्रिंट बहुत अच्छा लग रहा है। इसके ऊपर जो बटन डिटेलिंग दी गई है, मुझे सबसे ज़्यादा वही लगा कि इसका जो बटन की जो दे गोल्डन पे में वो बहुत वुडन में है, जो बहुत ही अच्छा लग रहा है, और ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और लहरिया प्रिंट में यदि मिलता है तो ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसका दुपट्टा भी आई थिंक 200-300 रुपये आता है। यदि आपको 200-300 में यदि कुर्ता मिल गया, ऊपर से इसके अंदर भी इनर बना हुआ है जो कि बहुत अच्छा है, तो वो अच्छी बात है। तो मुझे ये पीस बहुत अच्छा लगा। रेड कलर तो सबको पसंद आता है, तो रेड कलर का ही प्रिंट। इसमें और भी कलर अवेलेबल है, आप देखना चाहते दे सकते हैं। उसके बाद मैंने ये परचेजिंग किया था प्लाजो विद कुर्ता, ये जो आजकल बहुत चल रहा है। इसका मैं एक लुक आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने इसको कैरी किया था। तो मैंने इसके अलावा एक और ले लिया था, एक मैंने पहन लिया था जब मैं तो मैं उसका एक बार दिखा दूँगी। तो ये सेकेंड पीस है। तो ये आई थिंक ये 400-500-600 की रेंज में आते हैं, और कई कई यदि आप मेन मार्केट में जाओगे तो आपको होलसेलर वाले तो आपको 300-400 में दे देंगे। आई थिंक यदि आप वैसे जाओगे तो फिर शॉप पे आपको 600-700 में मिल जाते हैं, और ज़्यादा बहुत कंफर्टेबल प्लाजो आजकल के टाइम में इतना कंफर्टेबल होता है कि आप पूछिए मत, इतना कंफर्टेबल होता है एकदम। और समर में इतना गर्मी लगता है, पूछो मत। और जयपुर का टेम्परेचर तो 50+ है, राजस्थान का टेम्परेचर, तो जितना लूज कपड़े पहने उतना ही कंफर्टेबल है। उसके बाद में नेक्स्ट है ये मैंने हैंडबैग लिया था। आई थिंक हैंडबैग स्टार्टिंग रेंज 50 या 60 से स्टार्टिंग थी। और उसके बाद में आप उसके बाद जितना ब्रांडेड बैग ले जाते हो 10,000-15,000 वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आई थिंक ये बैग तो 350 या 350 ऐसी कुछ है, याद नहीं आ रहा मुझे, बिल देखना पड़ेगा। और ये बैग बहुत कंफर्टेबल है, और इस रेंज में ठीक है ऑलरेडी। इसमें बहुत सारी मल्टीपल चेन्स है, फ्रंट में है, इसकी साइड में भी है, लेफ्ट एंड राइट में भी है, और ये बहुत आप इसमें चीज़ों को स्टोर करके रख सकते हैं इजीली। और ये बहुत काम का हैंडबैग है, इसलिए मैंने परचेज़ किया। उसके अलावा बेलीज, आप इसको सूट पे पहनो, साड़ी के नीचे पहनो, किसी भी मतलब जींस के ऊपर, वेस्टर्न ड्रेस में पहनो, प्लाजो के नीचे, इतनी अच्छी लगती है ना। फिर ये हैंडबैग लिया है, हैंडबैग मैंने आपको बोला था ये क्लच एक टाइप का राजस्थानी प्रिंट में है, और इसके अंदर भी 4 डबल चेन वाला है, और 2 सेक्शन और हैं, टोटल 4 सेक्शन है इस बैग के अंदर। और वहाँ पे बैग की स्टार्टिंग में आपको पहले ही बता चुकी 50-60 रुपीज़ से स्टार्टिंग रेंज है। उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस रेंज तक वो बैग लेना चाहते हो। तो आपको ये आपको ईजिली मिल जाएगा, वैसे तो नेट पे मिल जाता है, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने ये प्रिंट ले लिया है। और कहते हैं राजस्थान गई थी तो राजस्थान से कुछ ना कुछ लेके आना चाहिए था, तो सब ने मेरे को डिमांड कर दी, तो मैं सबके लिए कुछ ना कुछ लेके आई हूँ। सब ने मेरे को पे कर दिया था पहले ही ये लेके आना, तो मुझे जो अच्छा लगा मैं उनके लिए लेके आ गई। उसके अलावा सेकंड बैग भी ऐसे ही था जो कि है। उसके अलावा है हमारे राजस्थान में क्या फेमस है, कठपुतली का नाच नहीं देखा तो कठपुतलियाँ बहुत ही राजस्थान में मिल जाएगी। और कठपुतली का डांस हमने तो बचपन में खूब देखा है, यदि आपने भी देखा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपको याद है कि आपने कभी कठपुतली का डांस देखा हो। इसकी रेंज भी ऐसी होता है, मतलब छोटा साइज ज़्यादा से बड़ा फिर वे आई थिंक 350 तक जा सकता है ये, और रिजनेबल प्राइस में मिल जाता है, डिपेंड करता है आप कैसे लेना चाहते हो।
कहीं यू कदम अकेले ना आगे बढ़ाइए आप। तो फ्रेंड्स अभी आज मैं आप बता रही हूँ गिवे के लिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ कि अब तक मैंने ट्रैवलिंग के फ्लाइट के द्वारा आपको कितने एयरपोर्ट दिखा दिए, लाइक जयपुर, उसके अलावा मैंने और कितने भी, मतलब टोटल कितने एयरपोर्ट आपको दिखाए हैं। आपको वीडियोस में कमेंट करके जल्दी से बताना है और कमेंट बॉक्स में लिख दें। आपको इंस्टाग्राम पर मुझे पहले फॉलो करना है, आपको 5 लोगों को टैग करना है और उसका स्क्रीनशॉट मेरे को इंस्टाग्राम पर भेज दीजिए। इसका अनाउंसमेंट मैं आपको जून के लास्ट में करूँगी। टिल देन और हमेशा मुस्कुराते रहिए। तो नेक्स्ट है ये कुर्ता है जिसका, और ये हैंडबैग है। मैं इसमें से कुछ भी आपको मिल सकता है, जितने भी विनर्स अनाउंसमेंट होंगे वो आपको 15-20 डेज में आपको अनाउंस कर दिए जाएंगे। आप बस की पार्टिसिपेटिंग कीजिए। फ्रेंड जब तक आप मुझे सब्सक्राइब नहीं करेंगे, कंडीशन है आप सबको चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके अलावा आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है और 5 लोगों को टैग करना है जिसका स्क्रीनशॉट आपको मुझे भेजना पड़ेगा इंस्टाग्राम पे, तो ताकि मैं आपको सेलेक्ट कर सकूँ। अदरवाइज आप मुझे सब्सक्राइब नहीं करेंगे और मुझे तो हाँ, तो फ्रेंड्स मेरे को सपोर्ट करते रहिए। फिर उसके बाद ये वाइट कलर का कुर्ता है जिसके ऊपर पूरा एम्ब्रॉयडरी वर्क हो रहा है, साथ में ये कांच का भी वर्क हो रहा है, जिसकी वजह से ये कुर्ता बहुत ही अच्छा लग रहा है। आई थिंक ये 400-500 की रेंज में, मतलब ऐसे स्टार्टिंग है वहाँ पे एम्ब्रॉयडरी वर्क वाले, और पूरे कुर्ते पे वर्क हो रहा है, राजस्थानी वर्क हो रहा है, धागे का थ्रेड वर्क है जो बहुत अच्छा लग रहा है। इसका इसमें और भी कलर्स हैं जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसमें एक एक ऑरेंज में वर्क है और ये भी बहुत ही वही राजस्थानी प्रिंट है और पूरा थ्रेड का वर्क है इसके अंदर, कांच का मिरर का वर्क है जो कुर्ता, पूरा वर्क, कुर्ता वर्क थ्रेड वर्क है, पूरी कढ़ाई है, मोर डिज़ाइन है, और ये इतना अच्छा लग रहा है ना। आप यदि इसके प्लेन कुर्ते या प्लेन पजामे के साथ और प्लेन दुपट्टा भी ले लोगे तो पूरा लुक बहुत अच्छा लगता है। तो इसके अलावा यह है जूतियाँ, जबरी जूतियाँ जो इस पर पूरा थ्रेड हो रहा है, ऊपर से अगेन मिरर वर्क है, और ये इतनी अच्छी लगती है ना जीन्स के ऊपर, कुर्ते के ऊपर, साड़ी के ऊपर, प्लाजो के नीचे। अब जिसके साथ कैरी करेंगे ना एक अलग ही लुक आ जाता है। तो आप जितना अच्छे से कपड़े पहन लें, यदि स्लीपर या फिर सैंडल अच्छे नहीं पहनेंगे तो वो पूरा ड्रेसअप का सेंस नहीं रहता है। इसके अलावा मैंने डेकोरेटिव ये लिया है, यह है एक स्टैचू है जिसमें एक लड़की है मटके को लेके खड़ी है। मैं राजस्थान के बारे में आपको बता रही हूँ क्योंकि मैंने राजस्थानी ही प्रोडक्ट लिया है, तो इस वजह से ये पीतल का बना हुआ है पूरा, तांबे का है और उसकी तांबे का बना हुआ है पूरा का पूरा। लड़की है जो कि मटका लेके खड़ी है और ये बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक ये है आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, 400-500 में मतलब आपको इजीली मिल सकता है यह है, और ये रूम को अच्छा लुक दे देता है, तो उसके पर्पज़ से भी बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स आपको मैंने इतने सारे आपको हॉल रिव्यू दिखाया, आपको कोई भी अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और प्लीज़ फ्रेंड्स मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहें। मैं आप लोगों से अगेन बोलना चाहूँगी कि जो भी इतने सारे प्रोडक्ट हैं आपको कौन सा अच्छा लगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। फ्रेंड्स मैं ये भी बोलना चाहूँगी, यदि आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके जल्दी से मुझे फॉलो कर दें। इसमें से आपको कोई भी आइटम आपको मिल जाएगा यदि आप मेरे को बता दें कि मैंने जो क्वेश्चन पूछा है कि कितने मैंने अब तक आपको ट्रैवलिंग ब्लॉग में कितने एयरपोर्ट बता चुकी हूँ, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है टोटल कितने और हैं कहाँ कहाँ, तो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना है। टिल देन स्माइल, कीप स्माइल, हंसते रहिए, मुस्कुराते